हिमाचल कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रही मौके पर मौजूद। सेबी चेयरमैन से इस्तीफे की रखी मांग। मंडी में बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला का हुआ आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल रहे मौजूद। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाएगी बीजेपी। कुल्लू में रेहड़ी पड़ी विक्रेता यूनियन ने किया प्रदर्शन। डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। बिना नोटिस के हटाने का लगाया आरोप। ऊना में एचआईवी एड्स जागरूकता को लेकर मैराथन आयोजित। 17 से 25 साल के 46 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए किया प्रेरित। सोलन फल एवं सब्जी मंडी पर इन दिनों सेब की फसल से गुलजार। बागवानों को मिल रहे सेब के बेहतर दाम। 50 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के माध्यम से सेबी चेयरमैन से इस्तीफे की मांग भी की है। साथ ही आपको बता दें कि यह प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में की गई है और इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक कुलदीप राठौर, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी भी मौजूद रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही अडानी सेबी मामले में जेपीसी गठन की भी मांग उठाई है। इसके अलावा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जेपीसी नहीं बनी तो निचले स्तर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे हैं गंगूराम मुसाफिर जी, संजय अवस्थी जी हमारे जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और हमारे प्राक्टा जी, आदर्श सूद जी, हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक सांकेतिक जो है धरना की। जैसा यहाँ कहा गया कि आज जो मोदी सरकार है वो भ्रष्टाचार में मिसलिंग है और इस सरकार का एक ही काम है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। आज आप देख रहे हैं देश के बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो इनके हवाले किए जा रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारे बंदरगाह, हमारे रेलवे स्टेशन, वो सब जो है बेचे जा रहे हैं। एक बेचने की कवायद चल रही है और खरीदार जो है अडानी है। और अभी एक बात सामने आई कि दो लोग देश बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं, तो दो बेच कौन रहे हैं? अमित शाह और मोदी साहब। दो गुजराती हैं, दो खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो आज पूरा देश बिक रहा है और आज जिस ढंग से ये 20,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को जो है मैनिपुलेट किया गया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके, ये बहुत गंभीर मसला है। हिडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया और आज जो निवेशक है उनका विश्वास जो है घटा है। इसलिए हमने ये मांग की है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से जांच को किसी न किसी बहाने डिले किया जा रहा है, अगर ये जांच किसी कांग्रेस के नेता पे होती तो अभी तक तो गिरफ्तारियां हो जाती, लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को उलझाया जा रहा है ताकि जो है जनता का ध्यान जो है पूरे मुद्दे से भटकाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि हमारी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन हो और उसकी वो जांच करे ताकि जनता को पता लग सके कि इस देश में जो लूट का कारोबार चल रहा है उसको किस ढंग से रोकना है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वो तो खुद भी जो है इसलिए आई है कि हमने बार बार इस आवाज को उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही, राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते जा रहे हैं कि सारा बिजनेस देश का आज एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। अडानी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? बार बार प्रधानमंत्री से भी कहा गया कि आप आकर इस इशू को एड्रेस करो, इसके ऊपर अपनी बयानबाजी करो, तब हमको पता लगेगा कि क्यों ये हो रहा है। अब तो हिंडनबर्ग ने भी इसमें अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं शंका जताई है कि ये जो अडानी को बिजनेस दिया जा रहा है ये बैकफुट में बीजेपी या मोदी सरकार इसके पीछे है। और जो इतना बड़ा घोटाला, कितना लाखों करोड़ों अरबों में ये पैसा जा रहा है और उसी तरह से
पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लूट की सरकार बनकर रह गई है। बड़े बड़े वादे करके सत्ता हासिल करने वाली सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान और हताश है। उन्होंने कहा कि सुक्खू की सरकार को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पूर्व सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आए दिन पूर्व में बीजेपी सरकार के समय चली योजनाओं को बंद करने वाली प्रदेश सरकार ने अब आटे और चावल के दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी पूर्व सरकार के समय दी जा रही थी और 125 यूनिट मुफ्त नो बिजली योजना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क दिए जा रहे पानी को बंद कर 100 रुपए प्रति नल के हिसाब से बिल वसूलने का भी फरमान जारी कर चुकी है। सस्ते राशन के दामों को बढ़ा रही है और जनहित की योजनाओं को बंद करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। प्रदेश की सुक्खू सरकार लूटमार की सरकार बनकर रह गई है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे जनता के साथ किए थे, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, कर्मचारियों के साथ, किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं छोड़ा था। लेकिन जैसे ही सत्ता लोगों को ठगने के बाद हासिल की, वैसे ही कांग्रेस ने अपना रंग गिरगट की तरह बदला। हिमाचल प्रदेश बीजेपी की सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला का आयोजन मंडी के जिला कार्यालय सुंदरनगर में किया गया है और इस कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल द्वारा की गई है। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, सांसद महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार और त्रिलोक कपूर विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। कार्यशाला में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अभियान प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी अतिथिगण ने सदस्यता प्रतीक चिन्ह और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया है। कार्यशाला में 350 डेलीगेट्स ने भी भाग लिया, जिन्हें सदस्यता अभियान से जुड़ी दो प्रस्तुतियों के माध्यम से अभियान की आगामी गतिविधियों से अवगत करवाया गया है। इस अभियान की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजीव दल ने कहा कि बीजेपी द्वारा सदस्यता अभियान का मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया गया है और यह नंबर 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। ये नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा भी सदस्यता लेने के बाद शुरू होगा। बिंदल ने भी कहा कि बीजेपी हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बीजेपी का प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान चलेगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा। ये सदस्यता अभियान नहीं, संगठन का महापर्व है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर संगठन महापर्व प्रारंभ कर रही है। 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बीते दिनों नगर परिषद के द्वारा रेहड़ी फड़ी वालों को भी हटाया गया था और अब नगर परिषद की इस कार्रवाई से सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि नगर परिषद कुल्लू के द्वारा स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने की बात भी कही गई है, लेकिन अभी तक रेहड़ी संचालकों को स्थान मुहैया नहीं करवाया गया है। नगर परिषद कुल्लू की इस कार्रवाई के विरोध में रेहड़ी फड़ी संचालकों के द्वारा सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया है और डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन भी सरकार को भेजा गया है। वहीं सीटू के पदाधिकारियों ने भी प्रशासन पर स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। सीटू के महासचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद कुल्लू के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि ना तो रेहड़ी फड़ी वाले संचालकों को नोटिस दिया गया है और ना ही उनके लिए किसी प्रकार की दूसरे स्थान की व्यवस्था की गई है। अब प्रशासन के द्वारा जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो नगर परिषद के खिलाफ आगामी समय में भी आंदोलन किया जाएगा। पिछले लगभग 1.5 महीने से जो रेड़ी फड़ी लगाकर अपनी आजीविका कमाने वाले लोग हैं, इनको प्रशासन ने जो है वो अपनी स्थानों से हटा दिया था और वो भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, बिना कोई मीटिंग किए, ना कोई टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, ना ही नगर परिषद की मीटिंग में कोई डिसीजन लिया गया। ये ईओ साहब ने जो है अपना तुगलकी फरमान जो जारी करके अनाउंसमेंट करके ऊना जिले में एचआईवी एड्स को लेकर छात्रों में जागरूकता वृद्धि के उद्देश्य से गुरुवार को 5 किलोमीटर की रेड रन मैराथन का भी जो है वो आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि यहां पर
जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण इकाई के संयुक्त प्रयास से हुए इस आयोजन में उपायुक्त जतिन लाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन सुबह 8 बजे रामपुर से प्रारंभ होकर सोमभद्रा पुल से समनाल होते हुए वापस रामपुर में संपन्न हुई है। मैराथन में रेड रिबन क्लबों का संचालन करने के वाले जो है वो जिले के 8 शिक्षण संस्थानों के 17 से 25 साल के आयु वर्ग के 46 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से 24 लड़के 22 लड़कियां शामिल रही हैं। आज हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा हमारे जो कैंपेन चल रहा है जो 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा एड्स अवेयरनेस एचआईवी अवेयरनेस के ऊपर और यूथ को सेफ सेक्स और ऐसी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए उन्हीं के चलते आज एक मैराथन का आयोजन किया गया हमारे जो रामपुर के बाद। अब इसके अलावा जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाले टाइम में करेंगे, जैसे सोलन फल एंड सब्जी मंडी में आपको बताते चले कि इन दिनों सेब की फसल से गुर्जार है और साथ ही बागवानों को भी इस बार सेब के बेहतर दाम मिल रहे हैं। 50 रुपए प्रति किलो से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक सेब के दाम मिल रहे हैं। वहीं पेटी की अगर बात की जाए तो 2500 से 3000 रुपए तक प्रति पेटी का मूल्य बागवानों को मिल रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एपीएमसी के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार सोलन और परवाड़ू सेब मंडी में भी 1.5 लाख के करीब सेब की पेटी पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि और ज्यादा जानकारी भी दी है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। बात है सेब का अराइवल अब तक हमारी दोनों मंडियों में मिला के 1,30,000 हो चुका है, जो जबकि पिछले वर्ष जो है अब तक हम लगभग 3-4 लाख पेटियां हमारे पास। पुलिस चौकी रानीताल से एक दुखद घटना सामने आई जहां पर एक परिवार की खाना खाने के बाद में अचानक से तबियत बिगड़ गई, जिसके चलते 2 बच्चियों की मौत हो गई जबकि उनकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार यूपी के बरेली निवासी नेकपाल अपनी बच्ची और पत्नी के साथ में पिछले 4 सालों से रानीताल के पास में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। रात को परिवार के सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए, इस दौरान अचानक से तबियत बिगड़ने का मामला सामने आया। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।